दोस्तों नमस्कार। देखिए हम अभी तक हम लोगों ने बात किया था कि पेट फ्लेक्स, हमने बोतल से पेट फ्लेक्स बनाए थे और पेट फ्लेक्स के अंदर भी अगर जो उसके बाद फर्दर उसकी जो स्क्रैप निकलती है उस स्क्रैप के अंदर से हम लोगों ने छोटे माइक्रो जो है उसके अंदर से निकाल लिए थे, छोटे पीस जो छोटा माइक्रो प्रोडक्ट रहता है, माइक्रो फ्लेक्स कह सकते हो आप लोग उसको। तो जो माइक्रो फ्लेक्स है उसको आगे कहाँ इस्तेमाल होना है आज हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए उसका कहीं पर भी वो फाइबर में या प्रीफॉर्म के अंदर वो इस्तेमाल नहीं हो सकता है। उसका एक प्रोडक्ट आता है अनसेचुरेटेड पॉलिएस्टर रेजन। जो ये पॉलिएस्टर रेजन होता है ये वो मटेरियल होता है जिससे आगे आप फाइबर के प्रोडक्ट बनते हैं, फाइबर के हेलमेट बनते हैं, फाइबर की शीट बनती है, ये उसके अंदर आप मिक्स कर सकते हैं। तो जितना भी इसको ग्लाइकोलेशन करके, ग्लाइकोलेशन एक प्रोसेस है, ग्लाइकोल मिक्स करके इसको उसके अंदर डाल दिया जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है। तो उस टाइम पे इसको दोबारा अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब ये अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर कन्वर्ट होता है तो उसमें प्राइस का बहुत जबरदस्त आपको प्राइस गेन मिलता है। उसमें थैलिक एनहाइड्राइड डलता है, थैलिक एनहाइड्राइड को आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो जब उसके अंदर से जो आप रेजन बनाते हैं उसमें भी कई तरीके के रेजन होते हैं और उसमें कई तरीके के प्रोडक्ट भी बनते हैं। देखिए उसमें से कई प्रोडक्ट ऐसे जैसे हेलमेट बनता है और एक पॉलिएस्टर शीट, फाइबर शीट बनती है ट्रांसपेरेंट, जो शेड्स के ऊपर डलती है या दरवाजों के आगे लगा दी जाती है, बहुत सारी तरीके की वो शीट होती है। हम ये भी बात कर लेते हैं कि वो शीट कैसे बनती है साथ में। देखिए अभी जो मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं जो इसके अंदर आप पॉलिएस्टर की शीट, अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर की शीट, FRP शीट भी बोली जाती है उसको, फाइबर शीट भी कुछ लोग बोलते हैं उसको, आप ये मशीन से बनेगा तो हम लोग इसमें मैनुअल भी बना सकते हैं। तो मैनुअल के लिए मैं आपको अपने दूसरे चैनल के ऊपर उसको डाल दूंगा कि मैनुअल कैसे बनाई जाती है। तो मशीन पे हम अभी इसी वीडियो में देख लेंगे कैसे बनता है, और मैनुअल के लिए आप अभी इसमें लास्ट में एक लिंक होगा, आप प्लीज उस पर जाके आप दूसरे चैनल पे देख लें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर सिर्फ प्लास्टिक से रिलेटेड जो मशीनरी वाले काम है वही सारे इसको रखना चाहता हूँ और उसके लिए अलग चैनल बना देता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें तो जितने भी नए वीडियो आएंगे आप उसमें देख पाएंगे। धन्यवाद आपका। उसके ऊपर डाल दिया जाता है और उसके ऊपर दोबारा से अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर ग्रीन कलर का जो ये है ये इसके ऊपर मिक्स कर दिया जाता है। तो जितनी लेयर इसके ऊपर डालते जाएंगे ये उतना मोटा थिकनेस उसका उतना ज़्यादा होता जाएगा, और उसके बाद उसको हर लेयर के बाद एक स्प्रे करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो इससे क्या है कि पॉलिएस्टर शीट आपकी फाइबर ग्लास विद पॉलिएस्टर शीट तैयार हो जाता है। इसको एक सूटेबल टाइम देना पड़ेगा सूखने के लिए, तो आपका वो शीट आपका बाहर निकल आएगा। और जितनी ज़्यादा लेयर देते रहेंगे, 1 mm की लेयर होती है इसकी, जितनी ज़्यादा लेयर, अगर 2 लेयर देंगे तो 2 mm का हो जाएगा, 3 लेयर देंगे तो 3 mm का हो जाएगा। तो ये जो स्प्रे हो रहा है स्प्रे मशीन से हो रहा है, तो अगर इसको आप चाहे मैन्युअली करने के लिए तो मैन्युअली भी कर सकते हैं। अभी मैन्युअली करने के लिए जितना पॉलिएस्टर रेजन है उसको इकट्ठा मिक्स कर लिया जाता है सूटेबल अपना स्टेबलाइजर के साथ, जो कलर आपने देना है उसके अंदर वो कलर दे दिया जाता है और सेम प्रोसेस रहता है। नीचे एक लेयर पहले पॉलिएस्टर शीट की, पॉलिएस्टर फिल्म की लगा दी जाती है, उसके बाद सूटेबल एक लुब्रिकेंट लगाना पड़ता है। उसके बाद जब लुब्रिकेशन हो जाता है उसका अच्छे तरीके से, तो लुब्रिकेशन करने के बाद उसको आप ये कह लें कि पॉलिएस्टर की लेयर मैन्युअली ब्रश से कर सकते हैं, और जो अपना सफ़ेदी करने वाला या वाइट वॉश करने वाला ब्रश होता है आप उसको भी ले सकते हैं, और उसके साथ ही उसकी लेयर आप डालते जाएं और उसके बाद पॉलिएस्टर रेजिन डालते जाएं। तो देखिए ये दोनों तरीके से अब ये हो रहा है, आप इसके बाद देखिए। तो
आप मेरे को बताएं अगर आप किस भी तरीके से बनाना चाहते हैं। धन्यवाद आपका। Mario.